हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस है क्या, इसमें एज लिमिट क्या मांगता है, फी कितना है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है। जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं ये फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ जानकारी। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको बताया गया है कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब आपका एग्जाम होगा, सारा चीज़ डेट बताया गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। एसएससी एमटीएस के बारे में, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का एमटीएस का होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में इसका कब से फॉर्म भर सकते हैं, ये 5 फरवरी से फॉर्म भर सकते हैं, कब तक, 21 मार्च 2021 तक, ठीक है दोस्तों। इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका जो एग्ज़ाम होगा इसमें दो एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा दोस्तों आपको 1 से 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 के बीच में होगा, और टियर 2 का एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों 21/11/2021 को होगा। मतलब दो एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम होगा आपको 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 के बीच में होगा। दूसरा एग्ज़ाम होगा टियर 2, वो होगा 21/11/2021 को। चलिए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल जानकारी देखते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो मिलेगा दोस्तों वो किसको किसको मिलेगा। रिजर्वेशन मतलब जिसको छूट दिया जाता है, वो है SC ST OBC, ठीक है दोस्तों, IWS को, ESM को, ये सबको छूट दिया जाएगा। उसके चलते आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों, कितने उम्र तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जिसका स्टूडेंट का 18 से 25 वर्ष तक का उम्र है वो स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। और देखिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। देखिए SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, और PWD को 10 साल का, और PWD OBC को 13 साल का, और देखिए PWSC SC और ST को 15 साल का। इसी तरह एक्स सर्विसमैन्स को 3 ईयर आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ये सबको दिया जाता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, किसको जो चाहिए वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके चलते हम लोग आगे देखते हैं आगे और इसमें क्या दिया गया है। जो स्टूडेंट को एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो उनको सर्टिफिकेट देना होगा दोस्तों। मान लिया जो स्टूडेंट SC ST OBC EWS PWD के हैं उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैंडिडेट हु विश वी कंसिडर अगेंस्ट द रिजर्वेशन रिजर्व्ड द वैकेंसी और स्किट एज रिलेक्सेशन मस्ट बी सबमिट द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कमेंट अथॉरिटी। आपका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, उस जो आपको जिसमें SC ST OBC का जो है। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, यहाँ पर दिया गया हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म, ठीक है। अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन में नहीं भरा जाएगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है SSC.NIC.IN। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज टू रेफर द, आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस पर, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कैसे क्या फॉर्म भरना है, सारा डिटेल दिया गया है दोस्तों। उसमें आपको कितना फ़ोटो लगता है, कितना सिग्नेचर लगेगा, कितना साइज़ का क्या लगेगा, सारा चीज़ वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फ़ी आपको दोस्तों, फ़ी जो लगेगा दोस्तों वो 100 रुपया लगेगा। लड़की और SC ST OBC को कैंडिडेट को फ़ी नहीं देना पड़ेगा। जो OBC जेंडर OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। पेमेंट आप लोग और सभी कार्ड UPI के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया फी कैन बी पेड द ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। 23/3/2021 तक अपना पेमेंट कर सकते हैं। उसका चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको जो सेंटर भर रहे हैं वो यहाँ पर सेंटर दिया गया है। देखिए सेंट्रल रीजन में कहाँ कहाँ है, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आरा है। आप जो सेंटर यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन देता है। यहाँ से देख लीजिएगा, अगर आप सेंट्रल रीजन में भरते हैं तो ये सब सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। इसी तरह नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, सभी तरह के रीजन के लिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की, आपका एग्जाम कितने पैटर्न में होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। पहला पेपर जो होगा दोस्तों वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर पर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और दूसरा पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपको कितने स्टूडेंट को डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं पता होगा, उसके बारे में आपको हम आगे चल के बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इंक्लूड द नोटिफिकेशन। आपको एग्जामिनेशन का
वहाँ पर नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में दिया गया था। क्या कह रहा है, देयर सेल बी नो पोजिशन री एवोल्यूशन, यहाँ पर कहता है रीचेकिंग कर लीजिएगा आप लोग जो फॉर्म इसका क्या स्कोर आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। अब पेपर वन में आपको क्या क्या पूछेगा, पेपर वन में देखिए आपका जनरल इंग्लिश पूछेगा 25 मार्क का, 25 नंबर का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है। ठीक है दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट, कितने देने का रहेगा 90 मिनट, मतलब एक घंटा जो होता है 60 मिनट का होगा, एक डेढ़ घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा। ये हो गया पेपर वन, ठीक है। पेपर वन विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द मल्टीपल चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीपल चार ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक क्वेश्चन सुन रहेगा, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। आपका निगेटिव मार्किंग में इसमें रहेगा, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 0.2 मार्क आपका, अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो एक नंबर दिया जाएगा, अगर गलत होता है तो 0.25 मार्क काट लिया जाएगा। ये हो गया पेपर टू वन की बात कर लिए, अब हम लोग चलते हैं पेपर वन टू में। पेपर टू में डिस्क्रिप्टिव, पेपर टू में आपका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, पेन पेपर का एग्जाम होगा जिसमें आपको शॉर्ट एसे लिखाया जाएगा या लेटर इन इंग्लिश लिखाया जाएगा, इन एनी लैंग्वेज आपको कोई भी आपके लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो होगा 50 मार्क का, आधे घंटे में आपका 50 मार्क का लिया जाएगा टेस्ट। ये हो गया, जो दोनों एग्जाम में पास करते हैं उसका सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग चेक कर लेते हैं सिलेबस भी देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस होगा दोस्तों। सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस में दो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर वन, क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आप लोग पढ़ाएंगे दोस्तों, नॉन वर्बल कंसीडर द फंक्शन ऑफ द अटैच, आप लोग ये नोटिफिकेशन देख लेते सकते हैं उसमें आप लोग को बताया जाएगा। देखिए इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी आता है दोस्तों। क्वेश्चन विद द डिस्क्राइब लेटेस्ट द एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड द इट्स एप्लीकेशंस ऑफ द सोसाइटी, ये सब आपसे पूछ देगा, ठीक है। पेपर टू में आपके बारे में बता ही दिए, ये था आपका पेपर वन और पेपर टू। उसका चलते हैं आपको आगे दोस्तों, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ऑल द कैंडिडेट हु रजिस्टर द थिम हेम्स रिस्पॉन्स दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से आपको पहले ये भर देना है। इसे सैलरी जो होगी दोस्तों, सैलरी आपको 18,000 से स्टार्टिंग होगी, उसमें 22,000 तक जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे दोस्तों, इसमें क्या क्या पोस्ट आपको मिल सकता है। इसमें जो पोस्ट होगा दोस्तों, प्यून का होगा, ऑपरेटर का होगा, गार्डनर का होगा, गेट कीपर का होगा, वॉचमैन का होगा, जूनियर ऑपरेटर का होगा, इसमें से आपको कोई भी पोस्ट आपको मिल सकता है, आपको चुनने के लिए बताएगा पोस्ट, उसमें दोस्तों फॉर्म जो भरिएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये दोस्तों आपको बता दिए सारा चीज़ कि एसएससी एमटीएस क्या है। एसएससी एमटीएस आपको एक गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, जो है एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एमटीएस का मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है दोस्तों। इसमें एज लिमिट कितना है, इसमें एज लिमिट है 18 से 25 वर्ष तक स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं दोस्तों। और इसमें फी है आपको 100 रुपया जनरल ओबीसी के लिए है, और इसके बाद और सभी के लिए फ्री है। एग्जाम पैटर्न आपको बता ही दिए दोस्तों, जिसमें दो एग्जाम होगा, पेपर वन और पेपर टू। सिलेबस आपको बता ही दिए हैं, उसका पोस्ट भी बता दिए, सैलरी बता दिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जनरल स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, उसके लिए दिक्कत नहीं है, जो भी होगा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसका नहीं होगा तो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर हम रेगुलर वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।